गुड मॉर्निंग बी सी ए फर्स्ट ईयर। मैं खालिद अली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो प्रैक्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यहाँ से ओपन कर लीजिए। स्टार्ट मेनू के अंदर जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आ गया, ये इसे ओपन कर लीजिए। इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इसके अंदर डाटा बेस क्रिएट कर सकें और जो भी डाटा क्यूरीज वगैरह हम लोग इसके अंदर एंटर कर सकें। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो मेनली यूज़ होता है, एक हम लोग फॉर्म जनरेट करते हैं और एक डाटा बेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लोग लिस्टिंग किया करते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो माइक जैसे कि एक्सेल के अंदर आप लोगों ने जो जो काम किया था पहले, उसमें क्या था ना कि आप लोग उसके अंदर डाटा फीड करते थे और एक लिस्ट बनाया करते थे एक टेबल्स के अंदर, क्योंकि अलग अलग फील्ड्स आया करती थी और कॉलम्स आया करते थे। उसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है इसके अंदर हम लोग एक डाटा बेस क्रिएट करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग इसके अंदर एक पूरा डाटा बेस बना पाएँ और इसके अंदर हम लोग डाटा इंसर्ट कर सकें और उसको स्टोर करके हम उसे यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसका मेन मोटिव है एक डाटा बेस को क्रिएट करने का। चलिए अब हम और आगे देख लेते हैं कि हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए ब्लैंक डाटा बेस, ये देख रहे हैं ब्लैंक डाटा बेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल नेम है, तो यहाँ पर जो भी आपको डाटाबेस बनाना है जिस किसी भी नाम के हिसाब से, तो आप उसको यहाँ पर उसका नाम दे सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट, हम एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के नाम से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट का बटन दबा देंगे। जब आप क्रिएट का बटन दबा दोगे तो आपको एक इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर होम दिख रहा है, क्रिएट दिख रहा है, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस टूल्स और डाटा शीट। डाटा शीट के ऊपर अभी हम लोग हैं, ये वाली जो है हमारी डाटा शीट है। और एक हमें व्यू दिख रहा है, एक न्यू फील्ड्स, एक ऐड एक्सिस्टिंग फील्ड, लुकअप कॉलम, इंसर्ट, रीनेम, टाइप्स और ये रिलेशनशिप्स और ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंस। व्यू व्यू कहाँ पर यूज़ होता है कि हम लोग अगर जो भी डाटाबेस हम जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में व्यू के ऑप्शन होते हैं। ये एक डाटा शीट व्यू, ये होता है डाटा शीट व्यू, और एक होता है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर हम लोग जो भी हमारी टेबल बनानी है और जो भी हमारे को फील्ड्स बनाने हैं वो हम लोग इसमें बनाया करते हैं। फिर एक आता है जो होता है न्यू फील्ड, तो जिसके अंदर हमारे को अगर कोई न्यू फील्ड डालनी हो इसके अंदर तो हम लोग उसको एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल किस तरह से क्रिएट होती है। ये देख लीजिए आप, सबसे पहले हमारे को एक लिखा हुआ आ रहा है टेबल वन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर जाकर डिज़ाइन व्यू के अंदर हम लोग जाएंगे। डिज़ाइन व्यू के अंदर हमारे को जो भी हमारी टेबल का नाम देना है हम लोग यहाँ से हमारी टेबल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको ओके के ऊपर इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे को एक इस तरह का स्क्रीन शो होगा। इसके अंदर आप देखिए सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है आईडी, और ये जो आप एक एक की का जो देख रहे हो लोगो, ये क्या होता है कि ये एक प्राइमरी की होती है। मतलब कि जो भी हम हमारा डाटाबेस बना रहे हैं तो उसके अंदर जो मेन की होगी, जो कि मतलब पूरे के पूरे जो हमारा डाटाबेस है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो ये की होती है, की आईडी होती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये डाटा टाइप है कि इस वाले फील्ड के अंदर किस तरह का डाटा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट होता है, मेमो होता है, नंबर्स होते हैं। जिसमें टेक्स्ट डालेंगे तो सिर्फ हम लोग उसमें टेक्स्ट ही डाल सकेंगे। मेमो के अंदर हम लोग हमारे मेमो के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। नंबर्स है तो सिर्फ नंबर, डेट, टाइम, करेंसी। ऑटो नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली नंबर्स आते रहेंगे। तो जो हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग ऑटो नंबर को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बना देते हैं स्टूडेंट, एक जो फर्स्ट फील्ड है वो हम बना देते हैं स्टूडेंट नेम। उसका डाटा टाइप हम लोग ले लेंगे टेक्स्ट। सेकंड फादर नेम, उसका हम ले लेंगे फिर से टेक्स्ट। फिर हम ले लेंगे फ़ोन, फ़ोन का हम लोग डाटा टाइप ले लेंगे यहाँ से नंबर्स। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ईमेल, ईमेल का हम लोग डाटा चैनल ले लेंगे यहाँ से
हाइपरलिंक, ठीक है, ये हम लोगों ने हमारा क्रिएट कर दिया है। जो भी हमारे को फील्ड्स चाहिए उसकी टेबल हमने यहाँ से क्रिएट कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग डाटा शीट व्यू के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे सेव आ गया, हम लोग इसे यस कर देंगे। ये देखिए, अब ये हमारा यहाँ पर ये जो भी हमने बनाया था वो टेबल तैयार हो गया है। इसके अंदर स्टूडेंट नेम आ गया है, यहाँ से हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम आ गया, फ़ोन नंबर और ईमेल आ गया। अब यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट नेम डालेंगे, जैसे राजेश, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे उस तरह, या देख रहे हैं आप आईडी के अंदर ऑटोमेटिकली नंबर्स आते रहेंगे। यही एक आईडी का फीचर है जो हमने ऑटो नंबर्स लिया था उस हिसाब से। इस तरह से हम लोग और भी ज़्यादा आगे से आगे टेबल्स के अंदर हम लोग डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है इस वीडियो का, ये बाकी आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, जिस तरह से आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हो। तो ये वाला जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है जो मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस कराया है, आप लोग इसके अंदर इसको पूरा डाटा बेस मेरे को क्रिएट करो और मुझे बताओ, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।